आजकल पारिवारिक विवाद व अंतरकलह विवादों का कारण बन रहे हैं, जिसके चलते परिवार एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला खापरखेड़ा थाना अंतर्गत सिल्लेवाड़ा में सामने आया, जिसमें बड़े भाई व भाभी तथा एक नाबालिग ने मिलकर छोटे भाई की पिटाई कर दी थी, जिसकी शनिवार को मेयो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी। बताया जा रहा है कि दोनों ही परिवार सिल्लेवाड़ा में ही आसपास रहते हैं। आरोपी बड़ा भाई ब्रिज मोहन शाख के 55 जो WCL में कार्यरत है तथा मृतक छोटा भाई जगमोहन शाख के 50 WCL में ही अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं। बड़े भाई को संतान नहीं होने से उसने अपने छोटे भाई के लड़के को गोद ले रखा था। मंगलवार की सुबह को बड़े भाई ब्रज मोहन व छोटा भाई जगमोहन के भी किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट में ब्रजमोहन के अलावा ब्रजमोहन की पत्नी दमयंती व गोद लिया नाबालिग भी शामिल हो गया। पश्चात छोटे भाई को घायल अवस्था में पहले खापरखेड़ा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां से तुरंत सरकारी अस्पताल बीओ में इलाज के लिए दाखिल किया गया, जिसकी शनिवार को अस्पताल में ही मौत हो गई। जिसकी जानकारी खापरखेड़ा थाने में मिलने पर पुलिस ब्रजमोहन के घर पहुंची तो ब्रजमोहन और उसका परिवार घर पर नहीं मिला। पुलिस ने तीनों को खापरखेड़ा अन्ना मोड़ से गिरफ्तार किया। खापरखेड़ा थाने में मृतक की पत्नी के शिकायत पर तीनों के खिलाफ 302-34 के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल खापरखेड़ा पुलिस आगे की जाँच कर रही है। जो भाई लोग चंदा फंदा करके उसको मेयो तक पैसा पहुँचाए, सब लोग ने चंदा, हाँ जो चंदा पहुँचाए है उसके लिए कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। ये घर की तुम्हारा मैटर है, वो तुम जानो, लेकिन जो घटना हुई है, जो आज जान गई है, तो वो वापस नहीं आएगी। हमको बाकी मैटर नहीं मालूम है, इनका क्या मैटर था क्या नहीं था हमको नहीं मालूम। आदमी खत्म हुआ उतनी बात हम मानेंगे, घटना है वो सत्य घटना पे हम बोलेंगे, और यहाँ नहीं इंसाफ होगा तो हम ऊपर तक जाएंगे, लेकिन इंसाफ दिला के रहेंगे जगमोहन को। NBC न्यूज के लिए खापरखेड़ा से कैमरामैन आशीष राउत के साथ अरुण महाजन की रिपोर्ट।